और यहाँ पर जो नए स्टार्स बन रहे हैं वो मिल्की वे से अगर हम कंपेयर करें तो थाउजेंड वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही तो इसकी जो डिस्कवरी हुई वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक के द्वारा हुई जब आ, बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक न्यू गैलेक्सीज को डिस्कवर करने के लिए की जाती है जब लाइट या उसकी वेवलेंथ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती इनविजिबल गैलेक्सी जो होती है उनके स्ट्रॉन्ग उनके पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या होता है जो दूसरी गैलेक्सी से लाइट आती है वो बेंड कर जाती है तो उसी लाइट को स्टडी करके हमें इनविजिबल गैलेक्सी के बारे में पता चलता है हम आते नेक्स्ट न्यूज पे तो रिसेंटली रिपोर्ट आई कि एप्पल इज वर्किंग ऑन न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दट इज माइक्रो एलईडी एक बड़ी चीज हो सकती है बड़ी चीज होगी भी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द डिस्प्ले इंडस्ट्री सो वट इज दिस माइक्रो एलईडी डिस्प्ले ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जिसमें की पिक्सल एलिमेंट्स ये माइक्रोस्कोपिक एलईडी से बने हुए हैं पिक्सल ये सबसे छोटी यूनिट होती है डिस्प्ले में यानी कि जो सबसे छोटी छोटा एरिया आपके स्क्रीन का आपके डिस्प्ले का जो सबसे छोटा एरिया जब ऐसे कई सारे आपके पिक्सल्स मिलते हैं तब जाके एक पूरी इमेज बनती है तो यहाँ पर जो पिक्सल एलिमेंट्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक एलईडी से बने हुए हैं नाउ फायदा क्या है कि ये जो पिक्सल हैं आप इंडिविजुअली हर पिक्सल को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं जिससे कि हमें एक परफेक्ट कलर कंट्रोल और कंट्रास्ट मिलता है सो वी गेट ग्रेटर कंट्रोल ऑफ पिक्सल लाइट कंट्रोल दूसरी चीज हायर ब्राइटनेस एट रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ स्क्रीन बर्निंग हमें ब्राइटनेस भी ज्यादा पहले से मिलेगी एंड डेफिनेटली रिस्क भी कम होगा माइक्रो एलईडीज़ जो बने होते हैं ये इंडियम गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर से बने होते हैं और इनकी अगर लाइफ की बात करें तो ये एक लाख घंटे से ज्यादा लाइट कंटिन्यूसली सकते हैं यानी कि नॉन स्टॉप ये चल सकते हैं लगभग ग्यारह साल तक तो इट हैज़ हाई इमेज रेजोल्यूशन लेस रिस्पॉन्स टाइम एंड लेस पार कंजम्पन जब हम इसको ऑर्गेनिक एलईडी से कंपेयर करते हैं नेक्स्ट न्यूज

ये मेटेराइट मिलियंस ऑफ इयर्स पहले अर्थ को हिट कर चुका था बट लाइटनिंग हिट करने के कारण लाइटनिंग स्ट्राइक करने के कारण क्वासी क्रिस्टल बना वहां पे so व्हाट क्वासी इज क्रिस्टल क्वासी क्रिस्टल जहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होते वी नो दैट क्रिस्टल्स को कहते हैं जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरे क्रिस्टल में रिपीट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है एंड सिमेट्रिकल होता है बट 1982 में डैन शेकमैन ने बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर uh, होता है वो मैथमेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एंड जरूरी नहीं है कि वो रिपीट करें 2011 में डैन शेकमैन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री में फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वासी क्रिस्टल। हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर जहां पर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम डेवलप किया गया टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स तो रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आईआईटी कानपुर ने अपना ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट uh, किया अ कंप्रेस्ड एयर बेस्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको कि कोल एंड स्लरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशली बनाया गया है यहां पर इसका मेन जो एडवांटेज होगा लेस मटेरियल लॉस कम एयर पोल्यूशन एंड लेस ट्रैवल टाइम ये बेसिकली एक हाइपर लूप सिस्टम है हाइपर लूप सिस्टम एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो कि स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क ने डेवलप करने की शुरुआत की थी बट इसका जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था बहुत ज्यादा होने के कारण बीच में ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया सो so, जो आई कानपुर ने ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया हाइपर लूप सिस्टम ये 120 किलोमीटर पर आर स्पीड तक रीच कर सकता है इट दिस कैन एकोमोडेट स्टोरेज वेगन देन गाइडिंग रेल्स व्हील सिस्टम असेंबली सिस्टम एंड जो आपका मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है उसको बहुत ही आसान कर सकता है 5.6 पर मिनट पर किलोमीटर की रेट से डिलीवरी कर सकता है और 107 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है हमारी अगली न्यूज है फ्रॉम ड्रोन स्टार्टअप गरुणा एरो जिन्होंने अभी एरो इंडिया के दौरान 2023 के दौरान सोलर पार्ड ड्रोन सूरज अनवेल्ड किया सूरज इज एन हाई ड्रोन स्पेसिफिकली फॉर द स ऑपरेशन जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हम हाई कमांड को सो दैट कि हमारे सोल्जर्स को ग्राउंड लेवल पर uh, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके आई इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकोनिजेंस रिकोनिजेंस यानी कि स्टडी ऑफ अ प्लेस और एन एरिया फॉर मिलिट्री रीजन ड्रोन के बारे में बात करते हैं इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो 10 केजी है जिसमें कि एक हाई रेजोल्यूशन ज़ूम कैमरा है विद थर्मल इमेजरी एंड फोलियाज पेनिट्रेटिंग लिडार सेंसर्स फोलियाज पेनिट्रेटिंग जो कि ट्रीज आपके श्रब्स जो भी झाड़ी पेड़ इनके थ्रू भी पेनिट्रेट कर आ, कर सकें एंड लिडार यानी कि लेजर डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग ठीक है लेजर डिटेक्शन एंड रेंजिंग जिसमें की ranges को determine किया जाता है है इसका endurance की बात करें तो ये 12 घंटे चल सकता 3000 हाइट तक पहुंच सकता है ये इमेजेस को कैप्चर करेगा प्रोसेस करेगा और फिर जो भी फोटोज या वीडियोस होंगी उनको रियल टाइम तक या फिर बेस तक भेज सकता है ताकि कोई भी स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस प्लान करने से पहले हमारे पास सारी वाइटल प्रेजेंट हो हम आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक लेक्सी इंडिया का पहला चैट जीपीट ए आई चैट बोर्ड जो कि वेलोसिटी ने लॉन्च किया दिस इज इंडिया कॉमर्स असिस्टेंट तो वेलोसिटी ने इसको अपने इन हाउस एनालिटिक्स टूल यानी कि वेलोसिटी इनसाइट्स में इनकॉर्पोरेट किया है तो ये जो विलोसिटी इन साइट है ये ई कॉमर्स फॉर्म्स को इंडिया में व्हाट्सएप के द्वारा डेली बिजनेस रिपोर्ट प्रोवाइड करती है अब ये ए आई चार्ट जीपीटी पार्ट जो ये ए आई चार्टोट होगा ये व्हाट्सएप पे जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा एक कन्वर्सेशनल मैनर में ई कॉमर्स फाउंडर्स के साथ आ, रिपोर्ट शेयर करेगा ठीक है बिजनेस इनसाइट शेयर करेगा जिससे कि उनका टाइम सेव होगा ये थी हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है सीरियस एफ कैट सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन पर यूजिंग यूडीएम कोड यूडीएम 10 कोड एंड ये ऑफर केवल 22 फरवरी तक ही वैलिड है दिस इज अनअकैडमी डिफेंस मेंटर्स टीम और ये हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस मेंटर्स सो Do not forget to subscribe the channel, do like and share the session. Here is the message of the day. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Thank you, everyone. Take care. Jai Hind.